आज देखिए मैं कलेजी की ग्रेवी बनाने वाली हूँ। देखिए इसके लिए मैंने कलेजी लिया हुआ है आधा किलो, और आधा किलो ये पूरा मिक्स है, तिल है और फेफड़ा है, और मैंने गुर्दा लिया हुआ है और इसमें दिल का पार्ट भी है। और इसको मैंने धुलने का तरीका आपको अलग वीडियो में बताया है, आप उसे देख लें किस तरह से मैंने इसको धुला है दोनों को, और इसकी स्मेल भी निकल गई है और कितने क्लीन भी हो चुके हैं। और इसके लिए मैंने प्याज लिया है एक पाव के करीब, और ये धनिया पाउडर है एक चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है दो चम्मच, ये मैंने सूखी लाल मिर्च ली है पांच, और एक चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक लिया है आप अपने हिसाब से डालें, मीट मसाला एक चम्मच, आप कोई सा भी मीट मसाला ले लें, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर एक चम्मच, ये मैंने दो दालचीनी ली है और तीन तेज़पत्ता है, और दो बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, सात आठ लौंग लिया हुआ है, और ये तेल है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कुकर में बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए। अपने हिसाब से तेल डालें, मैंने आधा कप तेल डाला हुआ है। देखिए इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे, और ये सात से आठ जो लौंग बताई थी वो डाल देंगे, छोटी इलायची भी, बड़ी इलायची भी, सब डाल के और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अगर आपको ऐसे भून के डालने का मन नहीं हो तो आप प्याज को पहले फ्राई कर लें। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये एकदम गोल्डन ना हो जाए। चलिए हम गोल्डन करके इसको फिर मिलते हैं। देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। अगर आपकी प्याज लाल ना हो तो आप उसमें भूनते टाइम हल्का सा नमक डाल दें एक चौथाई चम्मच, जिससे आपकी प्याज बहुत जल्दी लाल हो जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे कलेजी, अगर आपको चाहिए तो आप प्याज को फिर फ्राई करके निकाल के उसे मिक्सी में पीस के वापस से इसमें डाल लें। ये जो गुर्दे की जो चर्बी निकली हुई थी वो भी हम डाल देंगे, इससे हमारा ऑयल बढ़ जाएगा, और इसीलिए आप तेल डालते टाइम हिसाब से तेल डालें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको आप मिक्स करके और इसमें नमक डाल लें। मैंने प्याज भी तलते टाइम थोड़ा सा डाला था, इसीलिए मैं हिसाब से डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और इसी में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे,
इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। आप इसको बीच बीच में चलाते रहें। इसको ढक देते हैं और फिर 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुका और मैंने इसे 2 से 3 बार चला लिया था। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मीट मसाला, जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये सूखी खड़ी मिर्च और ये लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और मैंने ये बताना भूल गई थी कि मैं इसमें गरम मसाले भी डालूंगी 1 चम्मच के करीब। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब मसालों को हम कम से कम स्लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेंगे। ढक करके गैस की फ्लेम को लो पे कर ले रहे हैं। देखिए 2 मिनट हो चुके और मैंने इसे बीच बीच में चला लिया था। हमारे मसाले भी पक चुके हैं अच्छी तरह। अब आपको जितना ग्रेवी चाहिए जिस हिसाब से, आप उस हिसाब से पानी डाल लें। मैं 1/2 ग्लास के करीब पानी डालूंगी इसमें। और इसको ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसका प्रेशर जब अपने आप पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको खोल के देखेंगे। तब तक के लिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब इसको खोल के देख लेते हैं। जब कुकर का पूरा प्रेशर निकल जाए तभी आप कुकर खोलें। इसके बाद भी आपको लगता है कि कलेजी या फेफड़े कुछ नहीं गले तो आप सीटी की जगह 2 सीटी दे सकते हैं। देखिए गल चुकी है। देखिए स्पंजी होता है ये भी देखिए गल चुका है पूरा। अभी बहुत गर्म है। देखिए ग्रेवी भी अच्छी तरह हो चुकी। ये रेसिपी आप ट्राई करिए, देखिए आपको कैसी लगती है। और जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आप स्टेप बाय स्टेप पकाइए।
एकदम परफेक्ट उतरेगी। और चलिए फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।